में ये अवसर मिला कि शेप शॉप जैसा बिजनेस करने का मुझे मौका मिला। और शेप शॉप या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एक इंसान को सिर्फ एक सवाल पूछता है, डू यू हैव ए ड्रीम, क्या आपका साथ सपना है, क्या आपका साथ सपना है। इमोशनल ड्रीम, आपका जो इमोशनल ड्रीम, आप किसके लिए काम करना चाहता है, क्या वाकई में आप अपना बच्चों के लिए वो काम करना चाहता है, वो देना चाहता है जो आप देना चाहता है। किसी का सपना होता है कि खुद का लिए कि मैं इस तरह का घर बनाऊंगा, मैं इस तरह का गाड़ी में चलूंगा, मेरा इनकम लाखों रुपया हो, मेरा एक रेस्पेक्ट हो, मान सम्मान हो, मेरा एक पहचान हो। तो जब मैंने घूर के देखा, मुड़ के देखा, तो अगर मैं 10 साल का बाद अगर सिर्फ परिवार ही आज भी चला रहा हूं, कोई ना मान सम्मान नहीं, कोई नाम नहीं, कोई मतलब मेरा साथ इतना बैंक बैलेंस नहीं, मैं मेरा कोई भी एक एक भी सपना नहीं पूरा हो रहा है, तो मैं मुझे कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ गया कि मुझे ये बिजनेस करना है। क्योंकि किसी ने मुझे ये बताया था कि इस बिजनेस से आप 1 साल के अंदर अगर सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं तो यहां से आप 40,95,000 भी कमा सकते हैं 1 साल के अंदर। किसी ने मुझे ये बात बोला, और जब मैंने आइडेंटिफाई किया, जब मैंने वेरीफाई किया, जब मैंने मतलब कि जानने का कोशिश किया, तो 40,95,000 कमाने के लिए अगर मैं इस बिजनेस को ना करूं तो फिर मैं क्या करूं। तो जब मुझे यह समझ में आ गया, तो हाँ आज बहुत सारे लोग हैं मार्केट में जो 40,95,000 साल में कमाता है, बट कहीं ना कहीं उन्होंने करोड़ रुपए भी इन्वेस्ट किया हुआ है। तो हमारा पास उतना ताकत नहीं था, हमारा पास उतना शक्ति नहीं था, तो मैंने इस बिजनेस को चुना अपना सपना का साथ। देखिए मैं सपना का साथ मैं बोल रहा हूं, मैं आपका सपना का साथ ये इस बिजनेस को जुड़ रहा हूं। तो आपका पास अगर सपना है ना, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। 90% लोग कंफ्यूज में है, मैं बताऊंगा आपको, आज आपको क्लियर होगा। हमारा पास मतलब कि चार तरह का इनकम करने का रास्ता है। देखिए चार तरीका का, सबसे पहला लोग करता है जॉब, वो हो सकता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में, वो ये भी हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर। देखिए जॉब तो जॉब ही। और दूसरा एक तरीका है कि आज भी बहुत सारे लोग जी रहे हैं, वो है एग्रीकल्चर, खेती किसान। और आपको ये भी मालूम है कि आज बहुत सारे लोग बिजनेस करके भी अपना परिवार को चला रहा है। बट बिजनेस दो तरीका का है, एक है छोटा बिजनेस स्मॉल बिजनेस, एक होता है बिग बिजनेस। समझने का कोशिश कीजिएगा, मुझे मालूम है आप अगर इस बात को, आज का ये ट्रेनिंग को अगर समझने का कोशिश किया और समझ गया ना, तो आप ना डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग को ना बहुत प्यार करेगा, आज ए फ्यूचर इस बिजनेस को लेगा आज आप। और तीसरा है कि डायरेक्ट सेलिंग भी एक ऑप्शन है यहाँ पे, बट अंतर क्या है, ये चारों तरीका का काम जो हमारा लाइफ में है, ये चारों तरीका का प्रोफेशन जो हमारा पास है, ऑप्शन हमारा पास है, इसमें अंतर क्या है, यहाँ पे थोड़ा मैं दिखाना चाहूंगा। ये जो सस है ना हमारा पास, चार चार तरीका का जो सस है, जो काम करने का जो रास्ता है, इसमें अंतर क्या है, देखिए 1 मिनट, इसमें अंतर क्या है कि आज मान के चलिए आप कोई जॉब कीजिए, जॉब में क्या चाहिए, देखिए सबसे पहला जॉब में चाहिए आपको क्वालिफिकेशन। विदाउट क्वालिफिकेशन आपको कोई जॉब देने वाला नहीं है। बट आज जिस तरह से भारत में पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ठीक है बढ़ रहा है, उस हिसाब से आज बहुत सारे लोग डिग्री डिप्लोमा करने का बाद भी उनको उनका साथ एक अच्छा जॉब नहीं है, ये आप सभी को मालूम है। जॉब के लिए एक अच्छा क्वालिफाइड होना पड़ेगा, बट क्वालिफाइड होने का बाद भी आज बहुत सारे लोग अंडर एम्प्लॉयड है, उनका क्वालिफिकेशन का हिसाब से उनका साथ काम नहीं है। और जॉब क्या है, देखिए जॉब एक ऐसा काम है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो,
बट जब एक ऐसा काम है तब तक ही आपको इनकम दिया जाएगा जब तक आप एक्टिव रहेगा, जब तक आप वहां पे टाइम देगा, जब तक आप वहां पे काम करेगा। मान के चलिए आप कोई भी 10 साल किसी भी सेक्टर में आप काम करके देखिए, 10 साल आपने काम किया और 10 साल का बाद आपने आप काम करना छोड़ देगा तो क्या आपका 7 लाखों रुपए इनकम आते रहेगा कि? आपका आपको जो सैलरी दिया जा रहा था क्या वो सैलरी कंटिन्यू देना स्टार्ट कर देगा क्या? नहीं। 10 साल का बाद भी आपको एक्टिव रहना पड़ेगा और आपको अगर इनकम चाहिए तो तब तक आपको एक्टिव रहना पड़ेगा जब तक आपको इनकम चाहिए। और ये सच है कि यहाँ पे हार्डवर्क, हमें बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा और जितना हार्डवर्क हम जॉब में करते हैं उतना हार्डवर्क अगर हम कोई अदर सेक्टर में करते हैं, मान के चलिए डायरेक्ट सेलिंग में करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में करते हैं, तो यहाँ पे पता नहीं आपका लाइफ कैसा होगा, आप आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में आ जाएगा। और दूसरा बात है एग्रीकल्चर, आज एग्रीकल्चर करने के लिए बहुत सारे लोग कर भी रहा है बट बहुत सारे लोगों का साथ लैंड नहीं होता, जगह नहीं होता है और ऊपर से इन्वेस्टमेंट है, आप एकला एग्रीकल्चर कभी नहीं कर सकता, आप खेती किसान में आपको लोगों को लगाना पड़ता है, वहां पे भी आपको एक्टिव होना पड़ेगा खुद को और वहां पे भी आपको एक हार्डवर्क करना पड़ेगा, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तब कहीं ना कहीं आप अपना परिवार को चला पाएगा। देखिए एक्टिव इनकम का प्रॉब्लम क्या है कि आप जितना भी काम कीजिए आप सिर्फ अपना परिवार को ही चला पाएगा, एक नॉर्मल लाइफ आप जी सकेगा। इसलिए लोग क्या करता है कि बहुत ज्यादा लोग क्या करते हैं कि वो कहीं ना कहीं बिजनेस करने का मतलब कि वो निर्णय लेता है, वो सोचता है कि मैं लाइफ में बिजनेस करूं, बट बिजनेस में क्या है कि आप अगर छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, मान के चलिए कोई एक दुकान खोल के बैठ जाता है तो वहां पे क्या है कि वहां पे भी सेम जॉब ही है, वहां पे भी आपको सुबह से शाम तक आपको रहना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा बेनिफिट आता है, तब जाके आप अपना परिवार को चला सकेंगे। और रहा बात बिग बिजनेस का, बड़ा बिजनेस आप अगर करना चाहेंगे तो आपको शायद फाइनेंशियल ना करोड़ रुपया में लगाना पड़ेगा, आपको मतलब कि अमाउंट जो पैसा है वो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपका साथ नॉलेज होना पड़ेगा, आप आपको मतलब कि लोगों को काम देना पड़ेगा। आप देखिए या तो आप जॉब भी कर सकते हैं, या तो एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, या छोटा बिजनेस भी कर सकते हैं, या बड़ा बिजनेस भी कर सकते हैं, बट फर्क सिर्फ इतना है कि जॉब का लाइफ मैं दिखाऊंगा आपको, एग्रीकल्चर का लाइफ मैं दिखाऊंगा आपको और बिजनेस का लाइफ दिखाऊंगा आपको। और आज मैं अगर इस ट्रेनिंग का मकसद सिर्फ एक ही है कि आज मैं दिखाऊंगा आपको एक बहुत बड़ा बिजनेस, जो लोग आज करोड़ करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस को सेटअप करके मार्केट में रन कर रहा है, लाखों रुपया कमा रहा है, ऐसे ही बड़ा बिजनेस आज हमें मौका मिला है डायरेक्ट सेलिंग, जहां पे कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट, बट आप यहाँ पे करोड़ रुपया इनकम कर सकते हैं, ये आपको समझना है। तो नेक्स्ट स्लाइड में जाने से पहले आपको आपके पास में एक सवाल पूछूंगा कि आप अगर आज जॉब में है तो क्या 5 साल का बाद वो जॉब आपका हर सपना पूरा कर सकेगा? आप अगर एग्रीकल्चर में है, आप अगर खेती किसान करके अपना परिवार को चला रहे हैं, क्या आज से 4 और 5 साल अगर आपने जितना भी मेहनत करना है कीजिए, बट क्या वहां से आपको करोड़ रुपया इनकम आएगा? आप अगर कोई छोटा मोटा दुकान करके बैठ जाइए कोई बात नहीं, परिवार को तो चला लेगा, बट क्या वहां से सपना पूरा होगा? तो अगर वहां पे सपना पूरा नहीं हो रहा है, आपको मालूम है कि इस काम को करते हुए मेरा सपना पूरा कभी नहीं होगा, तो एक ऑप्शन है डायरेक्ट सेलिंग, अपना काम का साथ साथ इस बिजनेस को करिए, इस बिजनेस को समझे, इस बिजनेस को सीरियसली लिए आप अपना काम का साथ साथ, हो सकता है कि आने वाला 6 महीना 1 साल का बाद ना फुल टाइम इस बिजनेस को आराम से आप कर सकते हैं, क्योंकि तब तक आपको यहाँ से एक अच्छा इनकम, लेकिन आपको समझना होगा। देखिए डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, वहां पे कोई रिस्क नहीं है, नो रिस्क, टाइम आपका हिसाब से दे सकता है,
और यहाँ पे सबसे बड़ा बात है कि पैसिव इनकम लेने का मौका है आपको, पैसिव इनकम। 3-4 साल के बाद आप काम ना भी करो फिर भी आपको लाखों रुपया आने का मौका है, यह है डायरेक्ट सेलिंग का ताकत। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, जिस तरह से आप जॉब में मेहनत करना पड़ता है, आपको मेहनत करना पड़ता है, एग्रीकल्चर में आपको मेहनत करना पड़ता है, बिजनेस को करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है, डायरेक्ट सेलिंग को करने के लिए भी आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे रिस्क नहीं है। शायद अगर मेरा कंपनी नहीं चला तो मेरा करोड़ रुपया का नुकसान होगा, ठीक है, मैं कहाँ से आदमी को काम लेके आऊँ, कैसा मैं ये कंपनी का, ये कोई रिस्क नहीं। बट हाँ, मौका है कि आपको लाखों रुपया करोड़ रुपया कमाने का। अगला स्लाइड में मैं जाऊंगा। मान के चलिए ये 4 ऑप्शन है हमारा पास, ये इसका अलावा अगर आपका साथ कोई दूसरा ऑप्शन है तो बोलिए मुझे, क्योंकि आज ये दुनिया अगर चल रहा है तो कोई एग्रीकल्चर में, कोई जॉब में है, कोई बिजनेस में है, कोई बड़ा बिजनेस में है और कोई डायरेक्ट सेलिंग में। बट हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है डायरेक्ट सेलिंग। और आज मैं बताऊंगा, अगर कोई इंसान जॉब कर रहा है, इस बात को ध्यान से देखिएगा, समझने का कोशिश करिएगा, आपका लाइफ में बहुत काम आएगा। कोई इंसान अगर जॉब कर रहा है, मान के चलिए जॉब का सिद्धांत क्या है, जॉब का एक ही सिद्धांत है, कोई भी इंसान अगर जॉब करेगा तो उनको क्वालिफाइड चाहिए सबसे पहला, और दूसरा बात है एक्सपीरियंस, आपका साथ एक्सपीरियंस होना पड़ेगा। अगर आपका पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इंटरव्यू में बार बार आप दीजिए इंटरव्यू, लेकिन आप इंटरव्यू में फेल हो जाए। एक्सपीरियंस बहुत है, लेकिन एक एजुकेशन होने का बाद भी, एक्सपीरियंस होने का बाद भी आपका जो इनकम है वो है लिमिट। क्यों लिमिट होगा? देखिए, यहाँ पे कोई भी इंसान अगर 20 साल का बाद काम करना शुरू कर देता है अपना लाइफ में, तो कोई भी जॉब करना स्टार्ट कर देता है, तो शुरुआत में ना इंसान को लगता है कि यार जॉब बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन सोचता है। क्यों? क्योंकि शुरुआत, उनका लाइफ शुरुआत हुआ है। अगर उनको महीना में 10-15-20 हजार भी आ गया ना, उनको लगेगा कि यार बेस्ट है, यार चल रहा है मेरा लाइफ, अच्छा अच्छा चल रहा है। क्यों? क्योंकि नीचे में जो लाइन आपने जो देखा है, यहाँ पे जो रेखा है लाल दाग का, ये लाइबिलिटी से, उनका साथ जो रेस्पॉन्सिबिलिटी से, उनका जो जिम्मेवारी होता है वो कम होता है। तो आप जितना भी कमाइए आपको ओके, आपको फील नहीं आता कि यार मेरा, मतलब मेरा कमी हो रहा है, मुझसे कमी हो रहा है, मुझे कमी हो रहा है। लेकिन ये भी सच है कि वही जॉब एक दिन आपको ये महसूस करवाता है कि यार जो इनकम मैं कर रहा हूं ना वो बहुत कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि 40 साल का बाद एक इंसान ना कन्वर्ट हो जाता है, उनका एक परिवार हो जाता है। अगर आप शुरुआती टाइम में अगर एकला है तो उसका बाद आपका बेटा बेटी, ठीक है, स्कूल कॉलेज, बहुत अलग अलग तरह का इन्वेस्टमेंट, मतलब खर्चा आपका सर पे आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए, वही वही इनकम जो आपको पहला 20 साल से 40 साल तक तो ठीक ठाक लग रहा था, 40 साल का बाद ना वही इनकम आपको कम लगना शुरू हो जाएगा। देखिए, ये जो इनकम का रेखा जो है वो उठेगा नहीं, वो प्लान होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वो है ज्यादा हो चुका है। मैं पहला एकला था तो मुझे ठीक था हाजिरा करके भी, बट आज मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है, वो एक्स्ट्रा खर्चा है। आज अभी बेटी बड़ा हो रहा है, उसको भी स्कूल भेजना है, उसका एक्स्ट्रा खर्चा। बेटा अगर मैट्रिक पास हो गया, कॉलेज जाना स्टार्ट कर देगा तो और एक्स्ट्रा खर्चा है कि नहीं? दिन बाद दिन हमारा जो खर्चा है वो बढ़ते जा रहा है। बट हम अगर कोई जॉब में है तो वो क्या है, जो हमारा इनकम वो लिमिटेड, एक सीमित होता है। कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं, कोई भी ऐसा जॉब नहीं जो आपको करोड़ रुपए दे सके। और एक वक्त ऐसा भी आता है किसी भी जॉब में, एक वक्त ऐसा भी आता है हमारा लाइफ में कि आप 60 साल का हो जाता है और आप रिटायर हो जाते हैं। और जैसा आप रिटायर हो जाता है तो आपका इनकम बिल्कुल जीरो हो जाता है। देखिए, इनकम तो जीरो हो गया, बट आपका जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपका जो जिम्मेवारी है वो और भी बड़ा होता है, क्योंकि हो सकता है आपका बच्चा बड़ा हो गया, नाती पोता हो गया, उसका बाद भी आपका रेस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। तो वो जो इनकम है ना, वो आपका इनकम बिल्कुल खत्म हो जाता है।
आप सोच के देखिए, 20 साल से 60 साल तक कोई काम को करके 60 साल का बाद आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा। तब तक ही आपको इनकम दे रहा था जब तक आपका जो शरीर है वो स्ट्रांग था, आप एक्टिव था, लेकिन जैसा आप 60 का उम्र हो जाता है आपको रिटायर कर दिया जाता है, तो आपका इनकम जो है वो डाउनफॉल में आ जाता है और आपका लाइबिलिटी लाइबिलिटीज यानी कि आपका जो जिम्मेवारी जो है वो और भी बढ़ जाता है। तो ये भी एक ऑप्शन है आपका साथ। बहुत सारे लोग आज जॉब कर रहे हैं, मैं नहीं बोलूंगा कि जॉब मत कीजिए, नहीं करिए, बट आपका साथ अगर सपना है तो आपको मैं ये क्लियर कट देखा रहा हूं कि 60 साल का बाद भी एक जॉब पर्सन ना अपना सपना को पूरा नहीं कर पाते। और दूसरा देखिए, ये आपको चुनना है, आज आपका पास ये अवसर है, आज आपका पास ये अपॉर्चुनिटी है। दूसरा बात है कि आज लोग बिजनेस करता है ट्रेडिशनल, और बिजनेस करना इतना आसान नहीं होता है। मान के चलिए आपका पास पैसा तो है बिजनेस करने के लिए, आप इन्वेस्ट तो करते हैं, बट बिजनेस करना इतना आसान नहीं होता। देखिए बिजनेस का एक ही सिद्धांत है, ट्रेडिशनल यानी कि पुराना तरीका का बिजनेस आज भी बहुत लोग करता है और सोचता भी होगा कि मैं बिजनेस करूंगा। बट आज आप देखिए कहीं भी मार्केट में चाहिए, आज आप अगर कोई भी सामान खरीदता हो तो डेफिनेटली आप मार्केट में जाता होगा, किसी ना किसी का दुकान से आप लेता होगा, बट क्या वो जो सामान आप लेता है क्या वो खुद बनाया हुआ है, खुद ही वो मैन्युफैक्चर करता होगा? नहीं, वो खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता, वो कंपनी होता है जो वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है। बट बिजनेस किस तरह से चला रहा है, यहाँ पे देखिए, अगर किसी भी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है तो उनका पास बड़ा बड़ा CNF एजेंट होता है जो उनका साथ डील करते हैं कि आपका प्रोडक्ट मुझे दीजिए, मैं मार्केट चलाऊंगा। करोड़ करोड़ रुपए इन्वेस्ट करता है और डायरेक्ट कंपनी का साथ टाइप हो जाता है CNF एजेंट। उसका बाद उनका साथ डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो अलग अलग जगह, अलग अलग स्टेट, अलग अलग राष्ट्रीय में डिस्ट्रीब्यूटर अपना प्रोडक्ट को पहुंचाता है, सामान को पहुंचाता है। उसका अलावा होता है रिटेलर, होलसेलर, और उसका बाद तब जाके वो कस्टमर तक वो सामान पहुंचता है। इस तरह से एक बिजनेस चलाया जाता है ट्रेडिशनल तरीका से। और यहाँ पे देखिए, जितना ज्यादा मध्यम बीच में है, जितना ज्यादा लोग बीच में होता है कंपनी वालों को, बिजनेस करने वालों को, उतना ही कम प्रॉफिट होता है यहाँ पे। और एक खर्चा है ट्रांसपोर्ट का, यहाँ पे और एक खर्चा है एडवर्टाइजमेंट का। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए कोई भी कस्टमर का साथ अगर 100 रुपये का मतलब कि एक प्राइस पूछता है, कोई भी सामान आप खरीदिए, आप अगर 100 रुपये में आप खरीद कर रहा है तो जहां पे मैन्युफैक्चर होता है वो सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये का होता है, बट 70 रुपये जो है वो CNF खाता है 5%, डिस्ट्रीब्यूटर खाता है 5%, रिटेलर खाता है 20%, ट्रांसपोर्ट खाता है 10%, एडवर्टाइजमेंट खाता है। तो इस तरह से ना 30 रुपये का सामान को कस्टमर तक पहुंचाते पहुंचाते वो 100 रुपये का हो जाता है। तो इस तरह से भी आप बिजनेस कर सकते हैं, बट वो ट्रेडिशनली तरीका से। आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा करोड़ करोड़ रुपया अगर बड़ा बिजनेस करना है। अगर छोटा बिजनेस करना है तो रिटेल कर सकते हैं, आप कोई एक दुकान खोलिए बैठ जाइए, बट वहां से आप अपना सपना को कभी पूरा नहीं कर सकते। और आज मैं बताऊंगा, आज एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग क्या कर रहा है। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग क्या करता है, हमारा भी प्रोसेस सेम है, हमारा भी मकसद लोगों तक प्रोडक्ट को पहुंचाना ही है, बट हमारा क्या है कि हम डायरेक्ट हो जाते हैं। सबसे पहला है, हमारा पास भी कंपनी है जो आप सभी को मालूम है, आज हम खुश नसीब है कि आज भारत का सबसे बड़ा बड़ा ब्रांड कंपनी हमारा साथ टाइप होके काम कर रहा है, मिल के काम कर रहा है। कम से कम 25 मैन्युफैक्चर कंपनी हमारा साथ मिल के काम कर रहा है, और शेप शॉप के बदलत हम डायरेक्टली मैन्युफैक्चर का साथ मिल के काम कर रहे हैं। आज क्या बोलता है कि कंपनी से प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो हम
उस प्रोडक्ट को डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाता है। बट यहाँ पे हम सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, जिस तरह से आज भारत में पूरा मार्केट में आप जाइए, जितना भी आप शॉपिंग कीजिए, जितना भी आप सामान लीजिए, आपको आपको आप सिर्फ कस्टमर ही रहेगा। बट हम क्या कर रहा है कि एक इंसान को शेफ शॉप हमें ये मौका दे रहा है कि आज आप डायरेक्टली मेरा थ्रू, शेफ शॉप का थ्रू, आप 20 से 25 कंपनी का साथ डायरेक्टली टाइप होके काम कीजिए। पहला तो हो सकता है कि आपको वन टाइम कस्टमर तो बनना पड़ेगा, कोई भी एक सामान तो लेना पड़ेगा जिस तरह से आप मार्केट से लेते आया है। बट आप सामान लेने का बाद सिर्फ आप कस्टमर में ही नहीं रहेगा, आपको डायरेक्ट सेलर का एक मौका दिया जाएगा। और डायरेक्ट सेलर होने का बाद में आपका साथ ये मौका है कि सामान का साथ साथ आप लोगों को अपॉर्चुनिटी भी दे सकता है। देखिए डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी सामान अगर 30 रुपये में हम कंपनी को मिल रहा है, तो देखिए हम भी मार्केट से कम रेट में ही हम कस्टमर को दे रहे हैं, मार्केट से थोड़ा डिस्काउंट में दे रहा है, 95% में हम कस्टमर तक वो सामान को पहुंचा रहा है। 65% जो है, 65% जो है वो देखिए, ये बिजनेस में आप देखिए यहाँ पे 70% कौन खाता है मुनाफा, जो फायदा होता है वो यहाँ बीच का लोग खा रहा है। तो शेफ शॉप कंपनी क्या करता है कि 65% जो है वो ग्रुप ऑफ यूजर, जो लोग यहाँ पे काम कर रहा है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। और यहाँ पे आप सिर्फ बिजनेस ही नहीं कर रहे, बल्कि बिजनेस का साथ साथ सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि आपको टीम बनाने का मौका मिल रहा है। देखिए आज बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं, क्यों? वो अमीर नहीं है, क्योंकि वो अगर जाके दुकान में बैठ जाता है, सेल करता है तो उनको इनकम आता है, सेल नहीं करता तो उनको इनकम नहीं आता है। बट यहाँ पे आप अगर 2 से 5 साल काम करके एक अच्छा नेटवर्क बना दिया, तो सेल करने वाला लोग ना आपका नेटवर्क में पूरा भारत में फैल जाएगा, पूरा भारत में। और जैसे जैसे आपका नेटवर्क बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे आपका नेटवर्क पूरा भारत में फैल जाएगा, आपका सेल्स बढ़ेगा कि नहीं? डेफिनेटली बढ़ेगा। और जैसे जैसे आपका सेल्स बढ़ते जाएगा, सेल्स का बिहाफ पे आपको यहाँ से मतलब कि हफ्ता का वीकली 4 लाख तक इनकम करने का मौका मिलता है, और महीना का 16 लाख इनकम करने का मौका मिलता है। तो आप सोच के देखिए, बिजनेस तो ट्रेडिशनल तरीका से भी लोग कर रहा है, बिजनेस तो डायरेक्ट सेलिंग में भी लोग कर रहा है, बट कहाँ पे कौन सा बिजनेस करने का आसान है? अगर आपका बड़ा सपना है तो देखिए, आपको यहाँ पे ट्रेडिशनल तरीका से आपको करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बट डायरेक्ट डायरेक्ट सेलिंग हमें बिना इन्वेस्टमेंट में करोड़ रुपए कमाने का मौका दे रहा है। आपको अगर समझ में आ रहा है तो हाँ बोलिए, प्लीज मुझे मैसेज कीजिए। आपको अगर समझ में आ रहा है तो मुझे थोड़ा सा मैसेज कीजिएगा, क्योंकि आज मैं जॉब का ऊपर भी बात कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर का ऊपर में भी बात कर रहा हूँ, बिजनेस का ऊपर में भी बात कर रहा हूँ, और डायरेक्ट सेलिंग का ऊपर में भी बात कर रहा हूँ। आपको अगर समझ में आ रहा है तो हाँ बोलिएगा, बहुत कम मैसेज आ रहा है। थैंक यू। आप ध्यान से सुनिए, आप नेक्स्ट, आप यहाँ पे देखिए, थिंग टू नो, अगर आप वाकई में डायरेक्ट सेलिंग से, भैया ये दर्जा थोड़ा बंद कीजिए, तो आपको अगर ना डायरेक्ट सेलिंग से आपको अगर सचमुच में आप सपना को साकार करना चाहता है, आप बड़ा आदमी बनना चाहता है, तो कुछ बात मैं आपको बोल रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिए और इसका बारे में लर्न कीजिएगा, जरूर पढ़िएगा। आपको देखिए, आपको पढ़ना होगा, आपको सीखना पड़ेगा, आपको जानबूझ के मतलब कि जानने का कोशिश करना पड़ेगा। थिंग टू नो, आपको ये जानना है, अगर सचमुच आप डायरेक्ट सेलिंग से लाखों रुपए इनकम करना करना चाहते हैं, तो आपको ये जानना पड़ेगा, इस चीज को समझना पड़ेगा, आपको जानबूझ के समझना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, आपको कहां से आपको ज्ञान मिलेगा लेना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इतना बड़ा बिजनेस में आने का बात वो पीछे पीछे चला जाता है,
पीछे हट जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए ये कुछ बेसिक उनको मालूम नहीं होता है। कंपनी का बारे में, आज सेफ शॉप का बारे में किस किस को मालूम है? पूरा एकदम ए टू जेड आपको मालूम है, मालूम होना पड़ेगा। क्योंकि आज आप अगर डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं तो आप लोगों का साथ जाएगा, और लोगों का साथ आप अगर जाएंगे ना तो आप अपना कंपनी का बारे बारे में आपको बताना पड़ेगा, पूरा डिटेल ही उनको उनको डिटेल्स देना पड़ेगा आपको। तो बहुत सारे लोग बिजनेस तो करता है बट कंपनी का बारे में इतना ज्यादा जानकारी नहीं लेता है, और आपको जानबूझ के लेना पड़ेगा। देखिए आपको अगर बड़ा बिजनेस करना है तो देखिए अबाउट कंपनी, कंपनी का बारे में आपको पढ़ना है कि शेप शॉप क्या है, ठीक है, कब स्टार्ट हुआ है, भारत में आज कितना साल हो चुका है, ठीक है, आज किस तरह से काम कर रहा है, कितना स्ट्रांगली ये जो कंपनी है वो काम कर रहा है, आज ये कंपनी का साथ काम करते हुए कितने लोग हैं जो अपना सपना को पूरा कर चुका है, आपको ये स्टडी करना पड़ेगा। देखिए तब तक आपको ज्ञान नहीं मिलेगा जब तक आप जानबूझ के ये स्टडी नहीं करें। सेकंड बात अबाउट प्रोडक्ट, आपको ना जो प्रोडक्ट है, जो भी सामान है हमारा पास, उसका ज्ञान होना पड़ेगा। आज बहुत सारे लोगों के साथ प्रोडक्ट का ज्ञान बिल्कुल है ही नहीं। हमारा साड़ी कैसा है, हमारा सूट कैसा है, हमारा डिनर सेट कैसा है, हमारा साबुन कैसा है, टूथपेस्ट कैसा है, हमारा कोई भी प्रोडक्ट, आज हमारा वेबसाइट में जाइए, वेबसाइट के ऊपर में लिखा हुआ है कि 250 से ज्यादा प्रोडक्ट हमारा साथ है मार्केट में, और मार्केट में बिजनेस करने के लिए, बट हमें प्रोडक्ट का ज्ञान बिल्कुल नहीं है। कौन सा प्रोडक्ट कितना रेट है, कौन सा प्रोडक्ट कितना बीबी है, कौन सा प्रोडक्ट लोगों को प्रोमोट करने चाहिए, किस तरह से प्रोमोट करने चाहिए, वो प्रोडक्ट ज्ञान बिल्कुल नहीं है, तो वो कैसा डायरेक्ट सेलिंग करेगा मुझे बताइए। आप कोई दुकान कर रहा है और वो दुकान में आपको मालूम ही नहीं कौन सा सामान कितना में मुझे बेचना है, कौन कौन सामान है मेरा दुकान में। अगर कस्टमर आके आपको पूछेगा भैया कोलगेट है क्या, आपको मालूम ही नहीं कि आपका सब कोलगेट है कि नहीं, तो क्या आप बिजनेस कर पाएगा कि नहीं? तो आपको प्रोडक्ट का बारे में ज्ञान लेना है। 292 आइटम्स हमारा वेबसाइट में आज भी है। देखिए कोई भी बिजनेस मैन का साथ किसी भी दुकान में जाके देखिए, एक ही शॉप का अंदर ना इतना सारा आइटम कभी नहीं होता है। आज हम लोग खुश नसीब है जो साड़ी भी है, जो बर्तन भी है, जो सप्लीमेंट भी है, मतलब कि फूड आइटम भी है, स्पिरिचुअल भी है, एजुकेशन का ऊपर में भी, मतलब कि बहुत सारा प्रोडक्ट है। तो एक ही शॉप में इतना सारा प्रोडक्ट हमारा पास है, तो आपको ना ये प्रोडक्ट नॉलेज आपका साथ होना पड़ेगा। और दूसरा बात अबाउट डॉक्यूमेंट्स, हमारा पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या शेफ शॉप का पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या सर्टिफाइड कंपनी है कि नहीं, गवर्नमेंट द्वारा मतलब प्रमाणित कंपनी है कि नहीं, ठीक है, ये आपको पढ़ना होगा। देखिए बहुत ज्यादा लोग कॉन्फिडेंटली इस बिजनेस को प्रोमोट नहीं कर पाता है, लोगों का साथ जाते ही उनको थोड़ा सा मतलब कि एक नर्वस सा फील हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका साथ ये नॉलेज नहीं है। और जिस दिन आपने ये नॉलेज ले लिया ना, आप किसी भी भारत का कोई भी कोना में जाइए, आप अपना नेटवर्क बना बना लेगा, ये मेरा वादा है। लेकिन आपको ये नॉलेज लेना पड़ेगा, आपको ये जानकारी लेना पड़ेगा आपका कंपनी में क्या क्या है। अबाउट प्लान, हमारा प्लान क्या है, हम किस सोच का साथ आगे बढ़ रहा है, हमारा विजन क्या है, ये आपको मालूम होना पड़ेगा। हमारा जो प्लान, आज बहुत सारे लोग बिजनेस तो कर रहा है बट उनको एक्चुअल हमारा प्लान का बारे में मालूम नहीं, उनको प्लान देना नहीं आता, उनको बताना नहीं आता। और जिस दिन आपने प्लान परफेक्ट करना शुरू कर दिया तो लोग आपका साथ जुड़ना स्टार्ट कर देगा। हमारा जो पे आउट है, पे आउट सिस्टम क्या है, कितना एक बीबी में कितना देता है, 100 बीबी में कितना देता है कंपनी कमीशन का रूप में, 200 बीबी में कितना देता है, 5,000 बीबी में कितना देता है, ये सब आपको मालूम होना पड़ेगा। और किस तरह से पे आउट देता है, वीकली देता है, मंथली देता है, ये सब आपको क्लियरली
होना पड़ेगा। देखिए बहुत सारा कंपनी मंथली देता है, बट आज हम लोग एक ऐसा संस्था का साथ जुड़ा हुआ है जहां पे हमें वीकली इनकम मिलता है, वीकली, महीना में 4 बार हमें इनकम दिया जाता है। ये आपको जानना होगा अबाउट सिस्टम। हमारा पास एक ऐसा प्रूवन सिस्टम है जिनको आप ईमानदार ऑनेस्टली आप फॉलो करते हैं, ठीक है, ईमानदार से आप काम करते हैं, जैसे जैसा सिस्टम आपको बताता है वैसा वैसा आप आगे अगर करते जाएंगे तो यहाँ पे ये प्रूवन सिस्टम है सक्सेस का। तो क्या आपको हमारा सिस्टम के बारे में मालूम है? किसी नया इंसान को साथ, इंसान का साथ किस तरह से हमें सिस्टम को लेके बात करना है, पुराना इंसान का साथ किस तरह से हमें सिस्टम को लेके बात करना है, हमारा सिस्टम क्या है, किस तरह से हमें काम करना है, ये सभी के बारे में अगर आपने जानकारी लेने का कोशिश किया जानबूझ के, तो मैं गारंटी ये बोलूंगा कि आपका सक्सेस पक्का है। बहुत सारे लोग बिजनेस में तो है बट इनको ये मालूम नहीं है, ये बेसिक मालूम है ही नहीं, ठीक है? तो इनका बारे में आप पढ़ के देखिए, एक बार स्टडी कीजिए, और जिस दिन आपको ये सभी का बारे में मालूम हो गया ना, तो आप भी कॉन्फिडेंटली ये बिजनेस करना शुरू कर देगा, आप भी सपना को ना बुनना शुरू कर देगा कि यहाँ से डेफिनेटली मैं गाड़ी लूंगा, यहाँ से मैं लाखों रुपए इनकम करूंगा, यहाँ से मेरा भविष्य ऐसा होगा, मेरा बच्चा का भविष्य ऐसा होगा, आपको देखना शुरू हो जाएगा। थिंक टू रिमेंबर, इन ये बातों को याद कीजिएगा। गुड हैबिट हमारा जो बिजनेस है ना लोगों को सिखाता है, यहाँ पे सिर्फ पैसा नहीं, यहाँ पे सिखाता भी है कि आपको एक अच्छा आदत रखनी चाहिए। 90% लोग आज अगर हम फेल है किसी भी संस्था में तो सिर्फ एक ही वजह है कि हमारा आदत, हमारा आदत, सुबह देरी उठने का आदत, लोगों को फोन ना करने का आदत, कंफर्ट जोन में घुसने का आदत, चलो काम को पेंडिंग रखने का आदत, कल करूंगा परसों करूंगा, है कि नहीं, ठीक है ना? और उसके अलावा बहुत सारा बैड हैबिट होता है। तो हमें एक अच्छा हमारा आदत को सुधारना है, क्योंकि यहाँ ये बिजनेस से आप अपना लाइफ को अच्छा बना सकता है। तो सबसे पहला आपको आपका अपना आदत को सुधारना होता है। उसके अलावा शेयर योर ग्रेटिट्यूड, हमेशा छोटा बनिए। 90% लोग भारत में, सच तो कुछ नहीं, उनका साथ हाजिरा करके काम कर रहा है, बट उनका एटीट्यूड देखिए ना, यार मुझे सब पता है, वो कभी छोटा नहीं बनता है। तो हमें अगर लाइफ में कुछ करना है तो हमें छोटा बनना है, हमें सुनना है, ठीक है, छोटा से भी सीखना है, बड़ा से भी सीखना है, और सिखाते रहना है। तो आपका ग्रेटिट्यूड, ठीक है, हमें अपना ग्रेटिट्यूड को शेयर करना है। उसका बाद सेल्फ कंट्रोल, अपना आपको कंट्रोल करना है, हमें कब क्या बात करनी चाहिए, किसका साथ किस तरह से बात करनी चाहिए, हमें ये भी देखना है, बड़ा छोटा, ठीक है, सब कुछ हमें ये देखना है। उसका अलावा आई एम रियली ग्रेट, आप अपना आपको ना, बहुत सारे लोग आज इसलिए भी फेल होता है कि खुद को वह हरा देता है कि यार मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, यार मैं तो बिजनेस नहीं कर पाऊंगा शायद, ठीक है, अगर किसी सक्सेसफुल इंसान को देख लिया तो यार उसका नसीब अच्छा है, पर यार मेरा तो नसीब खराब, ठीक है, अगर किसी पढ़ा लिखा इंसान को देख लिया तो यार इसलिए तो वो आगे बढ़ा क्योंकि वो तो पढ़ा लिखा है, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं। तो हमेशा ना हम अपना आपको डाउन कर देते, बड़ा भी करना नहीं चाहिए लेकिन डाउन मत करिएगा, क्योंकि आज ये दुनिया में आप सभी लोग ना सब कुछ कर सकता है अगर आप विश्वास करें। तो हमेशा अपना आपको ग्रेट सोचेगा। अगर कोई इंसान इस भारत में कुछ काम करके वो दिखा दिया तो हम भी वो काम कर सकते हैं, बट हमें ये सब चीज को हमें ध्यान देना होगा कि हमें क्या क्या चीज को बदलना है। और उसके अलावा देखिए, मैं आपको टू बी ऑनेस्ट, मतलब कि आपको ऑनेस्ट बनना है, हमें झूठ बोलना नहीं है, हमें किसी को ठगना नहीं,
ठीक है, हमें मतलब ईमानदार का साथ काम करना है, हमें मतलब कि ईमानदार बनना है। देखिए ईमानदार लोग ही आगे बढ़ सकता है, क्योंकि इंसान को तो हम झूठ बोल देगा, बट ऊपर वाला को कभी हम झूठ नहीं बोल सकेंगे, ऊपर वाला तो देख ही रहा है। तो हम जिस तरह से बिहेव करेंगे, हम जिस तरह से काम करेंगे, फल वही मिलेगा हमें रिटर्न में। तो टू बी ऑनेस्ट हमें याद करना है, ब्रेव टू फेस डिफिकल्ट, हमें अपना आपको तैयार करना है। देखिए आज आज बिजनेस में है आप, ऐसा नहीं कि बिजनेस में आए तो हमेशा अच्छा ही होगा, नहीं, कभी ऐसा भी होता है सिचुएशन खराब भी हो जाता है हमारा, ठीक है, कभी भी मतलब कि कुछ भी हो सकता है, बट हमें उस सिचुएशन को फाइट करने के लिए अपना आपको अपना मेंटेलिटी को स्ट्रांग रखने का जरूरत है। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हुए मैंने सुना, यार लॉकडाउन ने मेरा जिंदगी बर्बाद कर दिया, कसम से आप भी सुना होगा। बट बहुत सारे लोग ये भी बोलते हुए सुना मैंने कि लॉकडाउन आया ना, कसम से बहुत कुछ सिखा रहे मैंने, गिरा तो है बट सीख लिया, आप कभी नहीं गिरूंगा। तो ये हमारा लेने का तरीका है। देखिए डिफिकल्ट तकलीफ ये आएगा, बट उस तकलीफ का साथ किस तरह से आप लड़ते हैं और उस तकलीफ को किस तरह से आप पार करते हैं, वो आपका ऊपर है, वो मेरा ऊपर है, ठीक है। बहुत सारे लोग पीछे हट जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा लर्निंग इज नॉट स्कैरी, आपको सीखने के लिए डरने का मतलब मत डरिए सीखने के लिए। कभी आपका सीनियर बोलता है यहाँ पे सेमिनार है आ जाओ, यहाँ पे मीटिंग है आ जाओ, तो सबसे पहला आपको वहां पे पहुंचना है। मेरा बात मानिए, आज अगर सर ये एग्जाम्पल अगर मुझे दे रहा है कि ये इंसान ये लड़का कभी एक गाड़ी चलाता था बट आज 2.5 साल का अंदर में डायमंड है, तो सिर्फ और सिर्फ यही चीज का बदलत हुआ, क्योंकि मैंने कभी की कोई ट्रेनिंग नहीं छोड़ा, कभी कोई ट्रेनिंग नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे मालूम है लाखों रुपए कमाने का नॉलेज मेरा साथ नहीं है, वो नॉलेज मुझे लेना है, और कहीं पे भी हो मुझे जाना पड़े तो मैं जाऊंगा। तो ये ट्रेनिंग का पावर है, जो 2.5 साल का अंदर इतना बड़ा टीम को मैनेज करना, इतना बड़ा टीम को चलाना और अपना एक अच्छा इनकम कंटिन्यू अच्छा इनकम लेना ना, ये ट्रेनिंग का ही ताकत है। तो आप भी अगर इस बात को एक्सेप्ट करते हैं तो डेफिनेटली 2.5 साल के 2 साल के अंदर भी आप मतलब कि सक्सेस हो सकते हैं। टू बी लर्निंग मतलब हमेशा पढ़ते रहिए, हमेशा सीखते रहिए, ठीक है ना, हमेशा सीखते रहिए। अगर आपको 20 हजार का इंसान से लाखों रुपए वाला इंसान बनना है तो आपको सीखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। कोई इंसान बिना सीख के डॉक्टर नहीं बना, कोई इंसान बिना सीख के इंजीनियर नहीं बना, कोई इंसान बिना सीख के पायलट नहीं बना, कोई इंसान बिना सीख के चार्टेड अकाउंटेंट नहीं बना। हर इंसान अगर बना है तो सीख के ही बना है, कोई इंसान बिना सीख के बिजनेसमैन नहीं बन सकता है। सीखना तो आपको पड़ेगा, बिजनेस लाखों रुपया कमाना है तो बिजनेस से। क्या आप तैयार है सीखने के लिए, तैयार है? अगर हाँ जी तैयार है तो प्लीज थम्स अप कीजिएगा सभी लोग। सीख अगर इस बात से एक्सेप्ट है तो हाँ ओके। और उसके अलावा टू बी इंडिपेंडेंट, देखिए कोई भी काम कीजिए, आज आत्मनिर्भर बोलिए बना लीजिए अपना आपको। आज बहुत सारे लोग पढ़ा लिखा करके मतलब बहुत एजुकेट लोग है बट आत्मनिर्भर नहीं है, वो डिपेंड है किसी के अंदर, कब मुझे बुलाएगा इंटरव्यू देने के लिए और मुझे जॉब देगा। बहुत सारे लोग आत्मनिर्भर नहीं है, हालांकि हमारा जो प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये अनाउंस कर चुका है कि आत्मनिर्भर हो जाइए, फिर भी हम सरकार का ऊपर में डिपेंड है, फिर भी हम माता पिता का ऊपर में डिपेंड है, फिर भी हम किसी दोस्त भाई बंधु का ऊपर में डिपेंड है, हम अपना आप को स्ट्रांग नहीं कर पाते। तो इंडिपेंडेंट हो जाइए, अपना बिजनेस सेटअप कीजिए, अपना आपको अगर आप आगे नहीं ले जा पाएगा तो कोई ऐसा ताकत नहीं इस दुनिया में कि आपको आगे लेके जाए। तो आज हमारा पास ये मौका है,
इंडिपेंडेंट हो जाइए, शेफ शॉप बिजनेस आपको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए तैयार है। ऑफलाइन इज लाइफ लाइन। जिस इंसान ने इस वर्ड्स को समझा, जिस इंसान ने इस बात को समझा ना, वो इंसान आज बल्ले बल्ले, यानी कि उनका साथ गाड़ी है, बंगला है, मान सम्मान है, ठीक है, उनका साथ हर कुछ है, जिन्होंने इस बात को समझा ऑफलाइन इज लाइफ लाइन। कोई भी इंसान आज अगर नाम कमा रहा है, आज अगर वो अपना सपना का लाइफ जी रहा है ना, उनका साथ हमेशा देख, झांक के देखे उनका लाइफ में, उनका साथ हमेशा गुरु होता है, गुरु लाइफ ऑफलाइन होता है उनका साथ, जो उनको गाइड करता है, जो उनको सिखाता है, जो उनको बोलता है कि क्या करने चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। और आज बहुत सारे लोग सक्सेस नहीं है इस वजह से, क्योंकि वो इंसान का साथ कोई गुरु नहीं है, और वो इंसान कभी गुरु चुनना भी नहीं चाहता, कभी गुरु बनाना भी नहीं चाहता, कभी अपलाइन बनाना नहीं चाहता है। वो सोच लेता है कि यार मैं ही सब कुछ हूं। तो जिन्होंने भी ये बात को समझा कि यार मुझे एक गुरु चाहिए, ठीक है, मुझे एक ऑफलाइन चाहिए, जिन्होंने भी इस बात को समझा तो उन्होंने अपना लाइफ में ऑफलाइन को चुना, और उस ऑफलाइन का हाथ को पकड़ते हुए आज तक चल रहा है और अपना लाइफ को बदल चुका है और बदल भी रहा है। तो ऑफलाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको ये बात समझना होगा। मैं आपको यही बात बोलूंगा कि देखिए, आपको ये समझना है आज का दिन, जो भी ट्रेनिंग, हालांकि इतना लंबा ट्रेनिंग नहीं था, बट बहुत काम का चीज है। जिन्होंने भी इस बात को समझा ना, वो कहीं ना कहीं अपना लाइफ में ना चेंज लाएगा ही लाएगा। तो इसी का साथ मेरा बेस्ट विशेष है आप सभी। Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon.